दोस्तों लोको पायलट यानी कि जो ट्रेन चालक होते हैं, ट्रेन चलाने वाले, वही हैं हम। और आज हमारी ड्यूटी लगी है दोपहर के 2 बजे की। अभी बज रहे हैं लगभग 12, और आपको तो पता ही है कि ड्यूटी के लिए लगभग 2 घंटे पहले कॉल आता है। खाना पीना तो हमने पहले ही खा रखा है, बैग हमने पहले लगा रखा है, ड्रेस हमने प्रेस करके रखी हुई है, अब खाली पहनना है। अब ड्रेस पहन के हम बन गए हैं राजा बाबू। शीशे में चलने से पहले एक बार अपने आप को निहार लेते हैं, जरूरी भी रहता है, देख तो ले अपनी ड्रेस साफ सुथरी है कि नहीं, हम कितने सुंदर लग रहे हैं। और अभी हम जाएंगे अपने स्टेशन, फिर वहां पे करेंगे साइन ऑन, और वहां से हमको एक जगह भेजा जा रहा है। यानी अपने स्टेशन से ड्यूटी नहीं लग रही है हमारी, हम दोनों दोस्त को एक जगह भेजा जा रहा है, वहां हम जाएंगे और वहां से हमारी ड्यूटी लगेगी। तो जो दिखा छोड़ दिखा इसको बीबी ने मारा ठीक है। तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इतना तो समय मिल ही जाता है। अब एक आपको बात बताता हूं, हमने ऐप लॉन्च किया रेलवे वाला चिंकू के नाम से, जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आपको कुछ फ्री सेक्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वहां पर 3 बुक्स भी अवेलेबल है मैथ रीजनिंग साइंस की, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका जो सॉल्यूशन मिलेंगे उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और हमारे जो लोको पायलट है, हम दोनों को भेज दिया रनिंग रूम। रनिंग रूम वो जगह जहां पर कि लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर सब लोग आराम करते हैं। अब यहां पर हम अपने कपड़े उपड़े बदलेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, अगर आपको भूख लग रही है तो खाना खाएंगे, और वरना अभी हम आराम करेंगे। खाना पीना हम घर से खा के चले थे, अभी भूख नहीं है, अभी हम आराम करेंगे। देखिए दोस्तों, रनिंग रूम में बहुत सारे लोग को खाने पीने का सवाल का कन्फ्यूजन रहता है, तो सब मैं आपके कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। रनिंग रूम में आपको नॉनवेज फूड नहीं मिलता है, वहां पर मेन्यू के हिसाब से खाना बनता है, जैसे मैस में बनता है सेम उसी तरह से। अगर आपको कुछ पसंद है बनवाना है वेज में, तो आप उनको सारा सामान दे दीजिए, तेल, राशन पानी, सारी चीजें, और वो आपको वो खाना बना के दे देंगे। वरना एक 4-5 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए की पर्ची कटती है, वो खाना खा लीजिए। दोस्तों रात के समय बज रहे हैं 11, और चाय पी के चलेंगे। अभी हम खाना पीना खा चुके हैं और कॉफी का पाउच रखता हूँ इसीलिए रात की ड्यूटी के लिए। अब मैंने चाय में अपनी और लोको पायलट की भी चाय में कॉफी मिला दी है, जिससे कि हमको रात को नींद ना आए। दोस्तों अब साइन ऑन कर लिया हमने और अब हम चल रहे हैं अपने। तो हमारी ड्यूटी लगी है कि हमें एक इंजन को ले जाना है करीब 150 किलोमीटर दूर, है ना। पुल नहीं है इधर, तो हम क्या कर रहे हैं, पटरियों के उस साइड में है हमारा इंजन, तो बीच में पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, एसी के थ्रू पार हो जा रहे हैं। देखो पूरी ट्रेन खाली है, रात के 12 बज रहे हैं, पूरी ट्रेन खाली है, कोई सवारी नहीं है, और सामने हमारा इंजन खड़ा हुआ है। अपने इंजन को हमें स्टार्ट भी करना है, ये इंजन खड़ा हुआ है हमारा, इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो जो इसके प्रोसेस होते हैं इसको चेक करेंगे, जो भी प्रोसेस होते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, झाड़ी बिल्कुल घनी हो रखी है, और बड़ा संभल के चलना पड़ता है रात की ड्यूटी में। पहली चीज, नींद नहीं आनी चाहिए, दूसरी चीज सेफ्टी, पहले अपनी सेफ्टी फिर रेलवे की सेफ्टी। आज भी पुराने टाइप का इंजन अपने को मिल गया, और इसकी जो सीट होती है ना, इसमें बड़ी दिक्कत आती है इस तरह की सीटों में, और इसमें कमर बिल्कुल दुख जाती है। आप खुद सोच के देखिए, इस तरह की सीट बिल्कुल फट्टा होता है लकड़ी जैसा, इसमें आपको 8-10 घंटे बैठना है, है ना, ना कहीं पैर टिकाने की जगह होती है, ना आराम करने की। तो चलने से पहले दोस्तों अपने जो इंजन को सूसू करा देते हैं, जिससे कि रात में इसको प्रेशर ना लगे, है ना। हाँ, बहुत से लोग, हम लोग भी जब हमारी गाड़ी चलनी होती है ना, तो उससे पहले हम फ्रेश वगैरह, टॉयलेट वगैरह सब कर लेते हैं। क्यों, ऐसा बहुत बार होता है, जैसे आप कोई काम, जरूरी काम करने जाओ, जैसे ही आप काम को शुरू करोगे तुरंत आपकी टॉयलेट आ जाएगी, है ना। तो वही होता है, ड्यूटी करने से पहले हम सब ये सब चीज़ें निपटा लेते हैं। तो हमारा जो इंजन है वो सब स्टार्ट हो चुका है, चेक हो चुका है, और अभी हम बाहर घूम रहे हैं कि बाहर एक और नज़र मार लेते हैं अपने इंजन पर, कहीं कुछ कमी पेशी तो नहीं रह गई है, है ना। दूसरी साइड से भी इसको हमने सूसू करा दिया, इसको हल्का करा दिया, ये कराना जरूरी रहता है। ये हमारे यहाँ देखिए एक सांड खड़ा हुआ है ट्रेन के आगे, अभी हम भगा नहीं रहे हैं, क्या पता साला हम पे हमला ना कर दे, है ना। रात का समय, सिग्नल अभी लाल है, वैसे ही आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, अभी जब सिग्नल ग्रीन होगा हॉर्न मारेंगे, खुद भाग जाएगा। दोस्तों अब हमको चलते चलते हो गए 2 घंटे, 2 घंटे से हमारी ट्रेन चल रही है, और हम एक स्टेशन पर आकर खड़े हो गए हैं, आगे सिग्नल लाल है, आधा घंटा हमें खड़े हुए भी हो चुका है। रात के इस समय बज रहे हैं करीब करीब 2:30, अभी यहाँ से सामने से एक आध गाड़ी पास होंगी, इसके बाद हमारी जो मालगाड़ी है वो चलेगी,
रात में ये समय बड़ा क्रूशियल होता है। क्यों? क्योंकि रात के 2-3 बजे आपको नींद भी बहुत तेज आ रही होती है, आपकी ट्रेन खड़ी भी होती है, तो ऐसे में आप सपोर्ट के साथ आराम कर सकते हैं। जैसे कि एक बंदा जग रहा हो, दूसरा तब तक झपकी ले ले, फिर दूसरा बंदा जग रहा हो पहला झपकी ले ले, क्योंकि सिग्नल पर भी तो नजर रखनी होती है कि कब ग्रीन हो जाए। जैसे ही ग्रीन होगा हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और चलते चलते दोस्तों अब हम हो चुकी है सुबह। एक स्टेशन पर आकर हमको रोक दिया गया है, अब हम जा रहे हैं स्टेशन मास्टर के पास। हालांकि मैं उससे पूछ चुका हूँ और उन्होंने मुझे बता दिया है कि 2 गाड़ी पास कराएंगे, यानी कि करीब करीब आधे घंटे तक हमारा इंजन नहीं चलेगा। अब मैं क्यों जा रहा हूँ, देखते हैं, बात करते हैं। इंजन में बैठे बैठे भी तो बोर हो जाते हैं यार। तो दोस्तों मैं स्टेशन मास्टर से ले आया हूँ यहाँ की चाबी। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं ना टॉयलेट वगैरह फ्रेश वगैरह कैसे होते हैं, मैं बताता हूँ। अब मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा यहाँ पर टॉयलेट कहाँ है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर वेटिंग रूम की चाबी दी, क्योंकि ये रोड साइड स्टेशन है। रोड साइड स्टेशन का मतलब है जहाँ पर ज़्यादा सवारी वगैरह नहीं चढ़ती हैं। आप लोग तो जहाँ से चढ़ते हो तो आपको लगता है अरे यहाँ तो बहुत दुकानें हैं, पर जहाँ पर ये मालगाड़ी खड़ी होती है ना, वहाँ दूर दूर तक परिंदा भी पर नहीं मारता है दोस्तों। तो स्टेशन मास्टर से मैं चाबी लेके आया हूँ और यहाँ पर मैं फ्रेश होने आया हूँ। हालांकि कोई प्रेशर मुझे लगा नहीं है, है ना भाई। खुद बताओ, रात भर जग के सुबह को आप कैसे फ्रेश हो गए? कभी कभी तो हो सकते हो, परमानेंट नहीं। जब आप घर पर एक आरामदायक नींद लो, सुबह को आँख खुलें, तब आप अपने आप फ्रेश हो जाओगे। आपका जो सिस्टम है पेट का, है ना, वो सब चलता रहता है। पर जब आप रात भर जगते हो ना, तो आपके जो शरीर का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए लोको पायलट की जॉब में ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं, बीपी के, शुगर के, पेट से रिलेटेड। अब देखिए, गाड़ी पास करी दी थी, हम अभी ये चाबी स्टेशन मास्टर को वापस करते हैं और अपने इंजन पर चलते हैं फिर से। और हमारे जहाँ से ज़्यादा दूर का नहीं बचा हमारा रास्ता, सिर्फ 1-2 स्टेशन दूर हमें पहुँचना है बस। इससे पहले ही खड़ा कर दिया, देखो सूर्य देवता उगाए हैं और किसी भी समय अब हमारा जो सिग्नल है वो ग्रीन हो सकता है। और देखो अब कब चलते हैं, भरोसा नहीं रहता हमारी गाड़ी में कुछ भी। इसके अलावा वैकेंसी से रिलेटेड देखो, आप लोग पूछते वैकेंसी कब आएगी, अभी 2023 चल रहा है और 2024 की शुरुआत तक यानी जनवरी या दिसंबर में पूरे पूरे चांसेस हैं नोटिफिकेशन आने के। तो अब जो हमारी ट्रेन थी यानी हमारा जो इंजन था, वो हम 2 स्टेशन पार ले आए। यहाँ पर हमें करना है इसको स्विच ऑफ, जैसे ड्यूटी की शुरुआत में हमने किया था इसको स्विच ऑन, ऐसे ही अब हमको इसको करना है स्विच ऑफ। इसके बाद हम अपनी गाड़ी पकड़ेंगे और सीधे अपने घर को निकल जाएंगे। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी घर वापसी इतनी जल्दी कैसे हो जाती है? अब आप खुद बताओ, हम जब रास्ते में ही ऐसी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, हमको ज़्यादातर हमारी ड्यूटी ऐसी ही होती है कि बस पहुँच जाओ घर आ जाओ। देखो इंजन को स्विच ऑफ करने करने में हाथ हो गए गंदे और यहाँ नल नहीं था, इसीलिए हाथ नहीं धुले। दूसरी साइड ढूंढेंगे कोई नल, वरना अपनी बोतल के पानी से निकालेंगे और हाथ धोएंगे, वरना फिर जिस ट्रेन में चढ़ेंगे, स्टेशन मास्टर से हमने बोल दिया है ट्रेन रुकवाने की, वो कह रहे हैं रुकवा रहे हैं, अब नहीं तो ट्रेन में जाकर हाथ धुलेंगे। दोस्तों ट्रेन में बैठ गए हैं, देखिए अपनी शाही सीट, ट्रेन के अंदर भरी पड़ी है, एसी है सारे कोच और भरी पड़ी है, कोई सीट खाली नहीं मिली, ना नीचे की मिली ना ऊपर की मिली, क्योंकि लोग इस समय तक उठे ही नहीं है, सारे लोग सोए पड़े हैं। अब अपने लोग पहुंच गए अपने स्टेशन, अपना घर आ चुका है, अपने स्टेशन पे आ चुके हैं। सुबह के बज गए 8:15, रात के करीब 11-12 बजे से ड्यूटी शुरू हुई थी, पूरी रात निकल गई जगते जगते। अब साइन ऑफ करके सीधे चलते हैं घर को। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब पूरी रात की ड्यूटी करके घर जाते हैं ना, तो बड़ी संभाल के मुझे स्कूटी चलानी पड़ती है, डर रहता है कहीं झपकी ना आ जाए। और ये देखिए जो हमारे डॉगीज हैं लूना चुन्नू, बड़े खुश, अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे कि मैं इसके ऊपर चढ़ूंगी, मैं इसके ऊपर चढ़ूंगी। और अब घर आके देखिए क्या करना होता है। अब जैसे मैं सुबह आया हूँ, अब मैं नहाऊंगा धोऊंगा खाऊंगा सो जाऊंगा। अब जो मेरी अगली ड्यूटी लगेगी ना, वो मिनिमम 16 घंटे बाद लगेगी। मान लीजिए अभी 9 बजे मेरा साइन ऑफ हुआ है, ऐसा मान लीजिए 9 बजे से, अभी सुबह के 9 बजे हैं, अब से 16 घंटे लगाएंगे ना, तो आपको रात के 1 बजे यानी रात के 1 बजे मेरी फिर से ड्यूटी लग सकती है। 1 बजे के बाद मेरी कभी भी ड्यूटी लग सकती है। तो सुबह का टाइम होता है ना जब घर वापस आते हैं, ये बड़ी दिक्कत करता है। ये देखिए हमारे क्यूट क्यूट डॉगीज मेरे साथ खेल खेल के, अब इनको आ गई नींद। और मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ, ये दोनों लड़कियाँ सबसे ज़्यादा लालची हैं। चलो फिलहाल हमारे यहाँ पूड़ी बनी थी, और क्योंकि अभी वो कनागत वगैरह चल रहे हैं ना, तो गाय को खिला देते हैं पूड़ियाँ। और जो हमारे घर की सबसे लालची 2 लड़कियाँ हैं, वो यही दोनों हैं। बैठ के अगर खाना खा रहे हो तो ये जरूर नजर रखेंगी कि हमें भी कुछ दे दो, और अगर आपने कुछ चॉकलेट कोई चिप्स वगैरह खाने की निकाल ली तो ये तुरंत उठ के आ जाती है, भले ही सो रही है।